छोरा हरियाणा का रीवां। राम राम भाई सारे ने, तो क्या हाल चाल सबके, उम्मीद है सारे राज्य खुशी होंगे भाई। तो भाई पिछले साल आप आ गए थे अमेरिका में, जैसा कि आपने पता है पिछले साल दिसंबर में आ लिया था, तो ई बालिया है अक्टूबर भाई, तो अक्टूबर नू ला लियो, एक साल होना है मैंने अमेरिका में, तो बहुत सही चल रहा है सिस्टम सारा सौदा। तो भाई पिछले साल तो जब तक मतलब थोड़ा सा वीडियो वायरल हुई थी, कितने रील राल सी हुई थी, तो सब पूछने लगे थे भाई क्वेश्चन घने, सारे घने क्वेश्चन, मतलब बंदे घने पूछे हैं पर क्वेश्चन सबके वही सेम से हुए हैं सबके सेम। तो भाई घने क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से कुछ मतलब एक क्वेश्चन है जो मतलब यो घने पूछे सब, कि बॉर्डर क्रॉस करें जब मतलब यूएसए मेक्सिको का बॉर्डर है जो दीवार है, तो वो क्रॉस करें तो उसके बाद क्या हुआ है। तो भाई यो ही बताऊंगे आज इस वीडियो में, क्या हुआ है उसके बाद, कैसे क्रॉस हुआ है, उसके बाद कैसे पकड़े हैं या नहीं पकड़े हैं। तो बोता कि यो वो भाई बड़का का गति, हाँ भाई क्या सीन रहा है उसके बाद, मतलब कूद तो जाए वहाँ आती चल पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा। तो करते हैं शुरुआत इस वीडियो में, बताऊंगे आपको सब कुछ, तो कैसे क्या सीन है। तो भाई मान लो था हम पहुँच गए, जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो हमारे गिल जो बनी थी वो मैं थारे बताऊंगा सारी, हाँ भाई कैसे क्या हुआ था, क्या हुआ नहीं क्या नहीं होता। तो भाई पहुँच गए, जैसे भाई मारे आ गई थी दीवार, हमने कूदी थी पूरी दीवार भाई ऐसे नू सड़क किनारे नू, उरे मैक्सिको की सड़क थी या दीवार थी, साइड में आग गए भाई अमरीका जो है, तो हमारी थी वो पूरी भाई, वह जो लोग ही था हमने वीडियो में भी देखी हो, दिखा भी दूंगा कि दे इनमें वीडियो में लाग दूंगा साइड में, तो पूरी ऊंची थी भाई, तो वहां पर कूदे थे हम भाई ऊपर चढ़ करें। ऊपर तार थे भाई उसके, तो मैं पहले में डोंकर डांकर जो है उनने चढ़े भाई स्पीड स्पीड में ऊपर, उन्हें तार तूर काटे और भाई ऊपर में ला दिया ना नहीं जोड़ी सी जो मतलब सीढ़ी सी ला दें ऊपर, ला दें उक से नीचे लटका दें उन्हें मतलब रस्से सी की, और फिर भाई बांधे हैं जोड़े बंदा गई बांधा भाई, तो बड़ी ऊंची होगा नी 30-40 फुट की तो कम तक मोहंदी होगी वाह, तो बड़ी ऊंची होगा है, तो रस्से बांधते हैं भाई बंदा के कदे पड़ फुट जावे तो नीचे एकदम तय चोट नहीं लगाए, तो ऊपर चढ़ावे फिर भाई ऊपर चढ़ा के, तो भाई फिर अपन कूदना हो एकदम नीचे कूदा दें सीधा, और रस्से बंधे सीधा नीचे जावे बंदे, तो कूद गए तो नू मान लो चलो कूद गए हम भी कूद गए वो सारे जने, तो नू ना सोचियो भाई चल थाम में कूद दो तो थाम में पाओगे, तो कूद दे थाम नहीं सर नू सीन दिखा भाई साहब कि यो कैसे चल रहा है यहाँ पे, हर जगह बंदे बंदे हर जगह बंदे बंदे, पीछे भी कूदे हैं आगे भी कूदे हैं थाम भी कूदे हो, इतने बंदे पाओगे थाम ना आगे बैठे पाओगे बंदे चल दे पाओगे, तो भाई सारे कूद दे पहले तो सारे नू पूरे किलकी मार दे भाई, या तो मैंने देखे भाई सब किलकी मार दे बैठे अमरीका अमरीका हो जाए सारे, सब अपने अपने भगवाना थे पूरी वो करें भाई हम पहुंचा दिया अमरीका ही बाग कार्ड भी दियो सेफ, तो कूद गए तो ऐसा कोई सीन नहीं भाई, आड़ तो भाजना है भाई हमने भाजना है या कुछ होना है, तो आराम तो वैसे उड़ा भी बैठ जाए भाई बाढ़ कि पुलिस आओगी खुद ले जाएगी उन्हें, और भाई ना तो थोड़े बहुत चलन लग जाए साइड में दीवार की साइड साइड में कोई, और भाई कई भाई ऐसा सीन हो बस फौजी नु लामने हुए हैं वो आपे दूर तेनू करते हैं लोग रे आ जाओ, तो भाई कूद दे क्या सीन होया भाई मारे गए लोया नू ला लो कई जगह ऐसा काम है भाई नू डरन की कोई बात नहीं है भाई, कूद दे आग गोली मार देंगे या लठ मारेंगे या पीटेंगे कोई सीन नहीं भाई, अमरीका में बहुत ही मतलब तम फील कौन कर पाओगे कि हम अमरीका में बढ़ गए कि यो बॉर्डर कूद गए हम इतनी बड़ी देश का हम बॉर्डर कूद कर गए उसमें बढ़ गए, अरे हम तो कुछ नहीं कह रहे, तो भाई फौजी गति आराम तो नू करेंगे भाई सब तय मतलब मम कूदे थे नहीं मम नू भी रहा था भाई फौजिया ने देखे हम कूदते देखने ला रहे फौजी जबकि वहां से गति थोड़ी दूर है, तो भाई हम चलन लग गए थे बस फौजी गेले रुका मार लिया हे कम हेयर मतलब इधर आओ इस साइड आओ, तो भाई उसके बाद क्या सोचा था मैं अब फौजी कुछ हो माओ नहीं भाई कुछ भी ऐसा सीन नहीं है ऐसा सीन कुछ भी नहीं हुआ, जान देने करने लग गए घबराओ मत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वेलकम करा भाई, जबकि उन्हें वेलकम टू अमेरिका कर दे भाई मारे गल तो आया था यो और आगे किसी गल हो जाए किसी गल नहीं होता, तो नूक बोले सीधा वेलकम टू अमेरिका घबराने वाली कोई बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है था आराम तो यहाँ पर आज लाइन बनवा लो, तो भाई मैं लाइन बनवा दें सब क्या भाई लाइन बनवा लो अपना अपना पासपोर्ट निकाल लो जो भी ले रहे हो आईडी वगैरह, तो भाई लाइन बनवा दें और भाई फिर उड़े भी नू कहते हैं भाई कि जो भी मतलब कोट पहन रहे हैं जूते पहन रहे हैं जो भी पहन रहे हैं पजामा पहन रहे हैं इनमें हो भाई ये नाड़े नूड़े जो करे कि हो गया यो ये कह दिया रहे ना जो भी है मतलब समझ जो पजामा में नाड़ा हो गया डोर होगी सूज में और ये यो भी ला लो जो भी है डोर डार जो भी है ऐसी सामान है जो मतलब भाई आग जाकर चौकी में या कैंप में जाकर बंदा कितने दिक्कत हो सके यदि मतलब
बंदा कदी नू संतुलन बिगड़ जा बंदा कदे यार घोट ले उसने अपने आप ने मार ले या और किसी ने मार दे क्यों करे भी कर सका है कुछ घटना तो वो कटवा दें सारा सौदा भाई। हाथ में भी पैर रहो कुछ डोरे डारे भाई तागड़ी तुगड़ी पैर रहे हो मतलब सारा सौदा अपना मैनू कह दें यो निकाल दो तो भाई वह निकाल कर ना चाहे तो उड़ा निकलवा दे हैं नहीं तो आगे निकलवा दें मैं बता दूंगा तो फिर उड़ा तो ले लें भाई मैं सबके पासपोर्ट लाइन बनवा कर कह दें थम आराम से साइड में खड़े हो जी आप बैठ जो बिठा दें सारे लाइन में और नु कर रहे हैं बातचीत करें भाई नु कई फौजी भी खड़े रहे मैं आप नु खड़े रहे भाई फौजी भी देखे जा बस कम है कुछ नहीं भाई मैं नु आराम तक खड़े रहेंगे बातचीत एक आधी जो बहुत जी बोलने लग जा कहाँ से आयो भाई क्या कहाँ से आयो तुम कौन से देश से हो तो नु बस अर भाई इंडिया का नाम सुनेगा भाई बहुत सही बोल रहे हैं भाई सारे नु को नहीं भाई अगर दिक्कत वाली बात है कोई बहुत इंडियन पाऊंगे इंडियन आना थोड़ा फिर भी ठीक मानना है भाई मैं तो उसके बाद मतलब वो ले होंगे वहां पर लाइन बना रखी बड़ी कई तो बॉर्डर किनारे मतलब दीवार के सारे बैठा दें कई थोड़ी सी साइड में जाकर बिठा दे हैं तो पासपोर्ट लेगा भाई वहां पर वैन खड़ी हो उनकी मतलब बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस है ऑफिसर है जो भी मैं वैन हो उनकी भाई गाड़ियां हो तो मैं सारे आगे पासपोर्ट इकट्ठे करके भीतर भाई नाम नूम चढ़ाया हूँ उनमें अपना कंप्यूटर में कि बाढ़ गया खुद है यो आया है फिर भाई वापिस दे दें पासपोर्ट सब ले 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 लो तो फिर थोड़ी देर बाद आगे उगे फोन करें भाई यहाँ और भी बंदे आ रहे हैं और आगे तो वैन आवे भाई बंदे लेने कार आवे गाड़ी आवे तो भाई सारे कह दें भाई लाइन वाइज ले जाए उन्हें बैठा दें गाड़ी में तो भाई वहां से चल पड़े हैं आगे तो ये आड़ है भाई आड़े बाड़े की बहुत किस्मत चल है कई आगे ली सी बन जा भाई आड़ तक सीधा कैंप में मार भाई देगा उन्हें कैंपा में ले जाए तो कैंपा का तो लंबा सीन बन जाए वह कदे आगे वीडियो बनाओगे स्पेशल कैंप के लिए कैंप में क्या हुआ कुछ कुछ करके सीन बना है तो भाई आड़ तो लेगा जहाँ जो हमने ले गए भाई हमने ले गए गाड़ी में बिठाया हम भाई पांच पांच सात सात जने जो कर एक गाड़ी एक हुआ वैन सी जैसे वैन ला लो उसके बीच में उरैन भी सीट हो उरैन भी सीट बीच में एक बेरानी वो दर्द हैं मतलब नून ले देख पा उरैन उरैन छह जने इसमें बैठ जा छह जने इसमें आराम तो सही नु बैठावे और फिर वैन बंद करके तो चल पड़ा है वैन अपा दिखता कुछ नहीं भाई उसमें नू है आराम तो नू बैठे बैठे भाई जिद ले जाएंगे भाई कई देर चला है वैन मतलब जब तो अपार कती शहर के बाहर है अमरीका के बाहर है बॉर्डर पर थे तो अपार शहर में बढ़ दे जहाँ बेर लग जा भाई थोड़ी बार में बढ़िया सड़क आ जा सही सीन हो जाए तो भाई फिर ले जा भाई फिर हमने ले गया भाई मैं चौकी में बढ़ दे भाई सब उतारे वहां पे तो भाई दिखा पूरा मतलब रौनक सी बालक भी फिर रहे ऑफिसर फिर रहे नून तो नून चल रहा काम भाई पूरी बड़ी चौकी थी तो उसमें ले जावे हैं तो फिर उतारे उनने सब ने भाई चलो लाइन में लग जा तुम रहना के तो भाई सब आंदे रहे नू नहीं भाई हम आए हुए कोई कि तैयारी है वैन और बड़का की कोई किसे बड़का की आ रही भर आवे भाई खुद नू अरे इंडिया कौन भाई पूरे वर्ल्ड मत बंदे आवा भाई नो नहीं भाई अपर अपर जान लो पूरे वर्ल्ड मत है इंडिया वाले तो कुछ भी कौन ही वर्ल्ड के बराबर मतलब जो ये स्पेनिश आवे स्पेनिश भाई स्पेनिश बंदे बहुत आवे अमरीका में इंडियन तो कुछ भी नहीं उनके आगे दुनिया बड़े है दुनिया गति काले और भाई ये जो काले अब सी आ रहे भाई साहब इनकी तो पूछो नहीं है भी इतने बड़े हैं मैक्सिकन और भाई जो निचली कंट्री है नहीं है कई नीचे जो देश हम पार कर का डोंकी लगा का भाई सब देशों में इतने बंदे आवे हैं तो उनकी इतनी इज्जत नहीं होती हमने देखी है इंडियन की अपनी बहुत इज्जत करें हमें तो अंदर लाइन लगवा दें चौकी में ले जाकर जैसे चौकी में ले जाकर भाई लाइन लगवा दी फिर आराम से नंबर आंदा जा भाई फिर वो अंदर ले जा भाई जो हमारे साथ हुई थी अंदर ले जाकर ना एक हॉल सा था वहां पर भाई आगे नू ऐसे मतलब डेस्क बन रहे ऑफिसर के वहां पर सब कंप्यूटर धरे कंप्यूटर पर लग रहे ऑफिसर चल रहे वहां से कोई वहां से आने लग रहा तो बहुत सीन ऐसा था तो वहां पर बिठा दिया हॉल से मैं कि बैठ जाओ यहाँ पे सारे की लाइन बनवा दी भाई कौन में बंदे हो गए कती नू ला लियो सब के और फिर भाई नुए ऑफिसर खड़े हुए हैं पूछे मतलब कौन क्या कर रहा है तो फिर मैं इंस्ट्रक्शन दे भाई क्या करना था हमने क्या नहीं करना तो फिर मैं आड़े भी आगे कह दे भाई जो कुछ भी डोर है या कुछ भी लेसिस है जो भी है नी नाड़े नूड़े हैं हाथ में वो कड़े हो कुछ भी पैर रहे हो थम सारा सौदा निकाल दो और भाई मतलब यहाँ पर थमने बस एक वो रहूगा भाई सीन कुछ पैर रहे हो नहीं थम बस थमने एक शर्ट में या टी शर्ट में रखेंगे बस अब भाई एक एक टी शर्ट पहन लो बस वो कुछ नहीं उसके नीचे एक पजामा बस और यो ही सब बस नुए जूते की डोर काट दो नुए खुले खुले पैर हंडो कोई उन्हें वो नहीं बस एक एक रखेंगे हमें और भाई और सारी जो भी बैग ले रहे हो भाई हाँ भाई आड़ सामान का पूछे भाई सामान कोई चेक नहीं कर दे भाई मैं सामान था हम के ले रहे हो क्या नहीं ला रहे हो ना थारा फोन चेक कर दे कोई भी तो कुछ उन्हें कोई मतलब नहीं तो उड़ा जान दे भाई थम नवे दे देंगे पन्नी सी दे देंगे भाई जो भी बैग ले रहे हो भाई सब बंदे जो ट्रॉली बैग हो नहीं बड़े बड़े सूटकेस पूरा सामान घर का पूरा ठोक ठोक ले आवे तो उन्हें कोई मतलब नहीं कुछ नहीं देखते भाई
तो पन्नी दे दें उनने भाई, उस पन्नी पे एक टैग दे दें, टैग का नंबर दे दें भाई, एक नंबर अपार ले लें, एक उस पर लगा रह जा पन्नी पे, तो भाई वो देख ले अपना नाम लिख दें, वह पन्नी में डाल लें, बैग बंद करें सीधा डाल दें, दर्द दें भाई वहां पे, तो उनका कोई मतलब नहीं के बैग में ले रहे हो के नहीं ले रहे, वो सारा सामान बाद में मिल जाए वापिस, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है सामान का, क्या रहो है क्या लेकर जाओ, कुछ नहीं लेकर जाओ या क्या करे, कुछ भी चेक होता फोन उसमें डाल दो, जो भी पैसे ले रहे हो जो भी ले रहे हो कुछ मतलब नहीं, उन्हें सब कुछ में डाल दो अपना, बस जो है कम है वो करते रहो। और भाई फिर सीन बनाओ भाई मारे गिल्ले, एक सब तक जबरदस्त जो सीन लगा था ना भाई साहब, यो सीन मतलब मानना को नहीं बंदे गणे, और जुन से वहां पर थे जो मारा वाले उन्हें तो बेरा भाई सारे ने के सीन होया, तो भाई इंडियन थे अपने सारे, इंडियन का नाम सुन दे भाई साहब, एक ऑफिसर था नु बोला सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू मूसे वाला कंधे भाई बड़क सारे हो तेरी गए, सिद्धू मूसे वाला जाना भाई साहब, ओ चौकी के अंदर है सिद्धू मूसे वाला गाना ला दिया बंदा ने, तो नु देख लो इस हिसाब से उड़े वो बजा दिया भाई, उसने गाना था ऊंचिया नी गल्ला तेरे यार दिया आई आई लाइफ है शायद सिद्धू मूसे वाला, तो भाई साहब फील आई थी भाई साहब, वो गाना बजा दिया बंदा ने वहां पे चौकी में, अमरीका की चौकी में बढ़ रहा मैं, रूडे गाना बज गया अपना सिद्धू मूसे वाला का, तो बड़ी ही सही बात थी भाई, गाने तो हेट भी करें उसने, तो इसमें क्या बता सके सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो, तो आड़ा गाना बज गया और फिर भाई सारे बैठे अपना ठीक बोल रहे, फिर घनी आवाज करवा दूंगा भाई चुप रहो, कई बंदे ऐसे हो जाए भाई, मैं शुरू से ही आ रहा मैं किसी की नहीं दूंगा, कितने चले जाओ मैं किसी की नहीं मानना है, सब डरे भी हैं भाई उड़े डर भी रहे, कदे दिक्कत बन जाए दिक्कत सब कहें भाई चुप बैठ जा आराम से बैठ जा, पर कई हो जाए इसे तो उनका कुछ नहीं कर सकते, पर फिर कहें भाई मैं पर्ची दे दें भाई साहब अपने थे, अगर अपना नाम पता एड्रेस जो भी लिख दो, आगे किस जाना था हमने कितनी जाना तो वो लिख दो, वो दे दें पर्ची सी पेन भी दे दें थारे, तो फिर मैं पर्ची ले लें पासपोर्ट ले लें थारे पे, और भाई फिर वो आगे जमा कर ले हैं, फिर बैठाए रहो हैं, फिर भाई कई देर तक बैठने के बाद फिर नंबर बोलना है भाई, मैं नाम बोलना है भाई यो नाम का इधर आ जाओ इस नंबर पर आ जाओ डेस्क पे, तो फिर वहां पर भाई फिंगरप्रिंट भी हो जाए कई आगे मारे उड़े फिंगरप्रिंट भी हो, फोटो खींचा भाई उड़े थारे फिंगरप्रिंट सारे नु लगवा लेंगे वहां पे फोटो खींचेंगे, और फिर भाई नु कह दें चल बैठ जाके, तो यो प्रोसेस करने बाद सब बंदे जितने थे उस ग्रुप में बैठे हो 100 150 यो करने के बाद फिर भाई आवे हैं नंबर, डॉक्टर डॉक्टर आओगे भाई फिर हमने करेंगे चेक, डॉक्टर भाई आ गए ना बंदा कोई दिक्कत नहीं हो एलर्जी वगैरह नहीं हो रही, ऊपर उठवाओगे पैर हम देखेंगे भाई बाल हम देखेंगे बाल आंख देखेंगे कैसी हैं मतलब बाल कैसे हैं सब कुछ मतलब नू सही देखेंगे हाथों तेनू, तो फिर उसमें लिख दें भाई सही है ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद सारी चेकिंग करने बाद सारा उनका काम करने बाद तो मैं फिर दोबारा कहूंगे चलो भाई लाइन में उठो, तो फिर उसके बाद भाई गण्या की आड़ते बन जाए आड़ते भी दिक्कत बन जाए कही ना, तो चौकियां हम दूसरी हम शिफ्ट करते हैं, तो कोई बड़ी चौकी है वह भर रही है तो उसमें छोटी चौकियां हम शिफ्ट कर दें था हमने भाई ले जाकर ना, तो चलो चलो भाई चल दूसरी में कई आगे बन जाड़े तो दिक्कत कई ने कैंप में ले जा भाई किसी ने बेरा नहीं होता आड़े फिलहाल के टाइम पर थारे गल के बनने वाली है कैंप में ले जाएंगे चौकी में ले जाएंगे या यहीं से छोड़ देंगे, तो हमारे गल जो हुई थी उसके बाद भाई हम ला लियो रात ने 8 बजे से हम कूदे थे हम दीवार दूर, तो ला लियो 10 11 बजे से हम चौकी में बैठे थे वहां पे सारा काम करवा कर ला लियो 12 बजे से हम उन्हें सारा काम फिनिश कर दिया उन्होंने शायद हमारा 12 के आसपास टाइम तो हमने बेरा कौन लग गया फिर भाई, तो उसके बाद भाई ले जाए हमने तो फिर दोबारा लाइन में खड़े कर लिया अंदर जाकर मतलब बाहर बैठे जब एक बरंडे से मैं नूहल में उसके बाद अंदर फिर और ले जाऊँ भाई वहां पर दिखा भाई और भी डेस्क बहुत सारे ऑफिसर जैसे अपने सरकारी कार्यालय होया करे नहीं ऑफिसर बैठे सब लग रहे हैं कंप्यूटर पर ऐसे ऐसे कोई वहां पर जा रहा है कोई वहां पर जा रहा है सारे लाइन में लगवा ले, फिर वहां पर दे भाई इंस्ट्रक्शन मतलब ज्यादा किसी ने कुछ नहीं करना है जो रोड़ा लड़ाई नहीं करनी है ऐसा है वैसा है, तो हम यहाँ पर आराम तरी हो था हमने मतलब जितनी था हम दिक्कत दोगे ना हमने था हमने और जितनी दिक्कत हो सका है, तो फिर उसके बाद भाई वहां पर दिखे हैं बहुत सारे कमरे उनमें भाई सब बंदे भरे पड़े बंदे इतने हो रहे हैं भरे पड़े पाओगे था हमने भाई, अरे मतलब सारे के अलग अलग बनाए पावे हैं जैसे काले हुए हैं जो है काले इनका बेरा भैया खतरनाक हुए हैं पूरे नु हुए उन अलग कमरे में घेरा भाई साहब उनके रोड़े भी होते रहे हैं उन अलग कमरे में घेरते हैं मतलब और मैक्सिकन जो स्पेनिश उन अलग में घेरते हैं इंडियन अलग में रखे हैं, तो भाई उनके कमरे ऐसे हुए हैं जैसे एक कमरा हो गया उसी में कूण में एक टॉयलेट हुआ है, और भाई इसी सिचुएशन मारे के लिए इसी सिचुएशन हुई थी तो कमरे की नू ला लो लिमिट है नहीं 50 बंदे बैठने की, और उनका जो है काम है भाई जब 50 बंदे की लिमिट है नहीं तो बंदे बैठ सके उसमें लोट लाट नहीं सकते हैं बंदे, तो भाई उस ला लो 50 की है नहीं तो भाई हम 150 बंदे उसमें बैठा दिए उनने, तो शुरू में जो बंदे बैठे थे जैसे उनमें कुर्सी भी लगी हुआ है यदि थोड़े बंदे हैं तो आराम से कुर्सी बैठ जो या लोट जो नीचे धरती पर अपना, तो भाई मारा क्या सिचुएशन ये होगी जब हम मारा ग्रुप
नहीं बढ़िया था, जब थी तो सारे बंदे ठीक थे, लौट रहे थे, आराम से बैठे थे। तो जब हम बड़े नहीं भाई, तो हम इतने बंदे हो रहे थे, घने बंदे थे भाई साहब, जगह को नहीं रही बैठने की। जुड़ से बैठे थे मैं तो बैठे रह गए, जुड़ से खड़े हो गए थे मैं तो खड़े हो गए, ऐसा सीन था भाई मारे के लिए। तो भाई बहुत मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। अंदर जाकर देखा भाई साहब सीन क्या हो रहा है, मतलब इतने बंदे सारे अपने हरियाणा गए, वो जान पहचान के पा गए भाई सब के अपने अपने, कोई पहले बैठा हुआ, अरे तू भी आड़े, अरे तू भी आड़े, अरे ताई आड़े, मौसी आड़े, तू भी आ गया, गांव वाले गुआंडी भाई साहब, सारे नू जाकर सारे आपस में बातचीत करने लग जा, फिर बैठा अपना अपने धोरा भाई सब बैठा भाई उड़ा वहां पे। तो फिर इसके बाद ओ है भाई, फिर भी प्रोसेस मतलब फिर हम दिखा भाई, अपन दिखा भाई, कोई 5 दिन सही पड़े भाई यहाँ पे, किसी की लाल ऐसे होगी, आंख लाल ऐसे हो रही है, निकलन हो रही है गोली सी बाहर, कोई से बाल नू हो रही है, डाडी नू हो रही, कती सारे आंख नू सूजी सूजी, नींद नहीं आ रही, कती नू भाई साहब बंदे की हालत देखने मारे फिल्टर सोट हो गए, कि ये देख ले 5-5, 6-6 दिन तो पड़े हैं, इनकी आंख कुकर होगी, और मम तो ही भाई हैं, मारे तो पहले ही निकलेंगे, मारा केवल होगा। तो भाई बहुत बुरा हो गया था सीन। तो भाई हम वहां पर बैठ गए, तो बस जगह इतनी मिली थी बैठने की, कती पां बोचकन है, और भाई कूने में टॉयलेट था यदि करना हो तो भाई मन तो करा को नहीं वहां पर, भाई पानी भी था उड़ा है, छोटे छोटे मतलब कप से थे, बना दिन कागज का एक बढ़िया है मतलब ठीक से कागज का, कौन सा बना दे ऐसे गोल मरोड़ का, ऐसे कागज से धरे हो गिलास, और भाई कैंपर वगैरह हो, पानी धरे हुआ है, तो भाई पानी पुनी पीना, तो भाई तो मैंने तो भाई प्यास तो लग रही थी, तो थोड़ा सा पानी पिया भाई, बिकॉज मैंने नू दिखा था पानी पीऊगा भाई तो दाब बनेगा, प्रेशर बनेगा, और तो भाई यार टॉयलेट उड़ा होया कौन सा भाई साहब, हालत ऐसी थी मारे टाइम में, उस सिचुएशन ऐसी थी कि बंद उड़ती जान का भी कोनी था रहा, मतलब पैर टेक कर वहां पर पहुंच जा, कूने में एक कमरे दूसरी कूने में पहुंच जावे, तो ऐसी हालत नहीं थी, तो बहुत बुरा हाल था उसका, तो मतलब बहुत मतलब दिमाग में इतना सब कुछ चलने लग गया था, क्या होगा, कैसे छुटेंगे भाई, क्या सीन बनेगा आगे, मतलब बंद है भाई, और भाई नू था भाई ऑफिसर का काम, आओ थे ऑफिसर भाई वहां पर, अटेंडेंस लाओ थे, नाम बोल थे, जो भी करें थे, और भाई टाइम टाइम पर 2-4 घंटे बाद 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आज थे भाई, किसे 4-5 बंदे लेके नाम बोल कर, तो फिर उन तक कहते थे भाई तने रिलीज करने लग रहे हैं, तने रिलीज करने लग रहे हैं, तो भाई सब कहू था भाई मारा नंबर कदा होगा, मारा कदा होगा, और भाई मारा बेरा क्या थी कि मारा तो अब तक पहले बैठे हैं, तो भाई मारा नंबर तो ला लो, अब तक तो पहले आंदा ही नहीं है, तो बहुत मन में नू हो गया था भाई अब तक कैसे कटेगा, जो मतलब पीछे दुख थे नहीं मारे, पीछे दुख थे जितने मतलब कि जंगल भी पार करे उसके बाद इतने वो थे दुख में सारे भूल कर, ये भी इस दुख में पड़े नहीं भाई, ये नू लगा था भाई कित फंस गया कने, कित फंस गया गाड़ तो खाम खाई फंस गए, दुख भी नू हो रहा था भाई, नू कौन था भाई, हम टॉर्चर कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, बैठने की जगह कौन थी भाई, वहां पर जगह कौन रह रही थी, और भाई उनने जाना कौन करा है, उनके पास जगह कौन थी, तो उनने भाई एडजस्ट तो करना पड़ेगा उनने, तो अपना भाई बंदे करो एडजस्ट आप पे करो मतलब, तो और भाई घने भाई नू कहे भाई कि वहां पर ठंड लगा है, जो ठंड वाला भी सीन बता दिया भाई, वो टॉर्चर कर रहे हैं, हमने जाडम घेर दे हैं घना ठंड में घेर हैं हमने, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठंड वाला सीन है, ठंड वाला सीन यो है कि यहाँ के लोग की आदत है भाई एसी में रहने की, तो उनके लिए तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो मतलब एसी चला है तो वो नॉर्मल में रखे भाई अपना करकन है ठंड सी, तो ठंड तो एसी इसलिए चलाओ भाई ठंड रहो है, तो उनके लिए तो नॉर्मल है, अपने वर्गिया लागे भाई ठंड वा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, था हमने टॉर्चर करा है ठंड ज्यादा गिरा, तो ऐसा तो भूल जाओ, और भाई यदि बाई चांस था हमने ठंड भी लगन लगी तो वह थर दे दें भाई ओढ़ने की, ब्लैंकेट कह दे उन ये शायद ब्लैंकेट को है, वो हमें फॉइल सी एल्यूमिनियम फॉइल हो गया जैसे भाई, हमें क्या बतावे मतलब खाना लपेट दिया रोटी लपेट दिया रहे, तो वैसी हो एक लंबी सी चादर दे दें कि वह फटती फटती कौन इतनी जल्दी, और भाई यदि फट भी जा बाई चांस तो वह दूसरी भी दे दें, पर मारे गए तो ऐसा सीन बना है, एक कमरा में इतने बंदे भर रहे तो एसी के काम करेगा, कोई काम का नहीं था, एसी नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा था, बस नू था थोड़ी दिक्कत आ रही थी भाई बैठने में, पांख हथिया कट गए थे नू, इतनी जगह में बैठे सारे बंदे, यदि मैं धोखा खड़ा गया नहीं तो जगह मिले को नहीं भाई, सारे नू हो जाए एकदम, तो भीड़ इतनी थी, तो यो काम था, फिर 5-7 मिनट 5-4 घंटे में हमें आवे, फिर बोलने नाम बंदा, फिर बाहर ले जावे उनके कैया लोकेशन लगावे, फिर कागज वगैरह देखने उन तब अंदर फिर ले आवे कि हमने थोड़ी देर में बुलाओगे फिर छोड़ दें था हमने, तो भाई सब कनू होता भाई मारा भी नंबर बोल दो, मारा भी नंबर बोल दो, जब गेट खोलना हमें बंदे के लिए सोचा भाई मारा नंबर बोल लगा, मारा नंबर बोल लगा, तो ऐसा ही सीन चलता रहे है, जिनका किस्मत हो है भाई करते हैं, और उसके बाद भाई खाने का सीन यो है टाइम टाइम पे हमें फिर 3 टाइम भाई खाना भी देवे, नो नहीं भाई नो तो है नहीं भाई कभी था हमने छका हुआ है, पर नू भी नहीं था हमने भूखा भी नहीं मन देंदे, मतलब जी सही रखा मतलब यदि वेज हो नॉन वेज दोनों में डाल के, मतलब वेज के लिए इतना कोई वो नहीं है, जो नॉन वेज हो उसके लिए तो भाई मीट तो हर जगह हुआ है, मीट
सब तो मिल जाए, बर्गर से देते हैं, मीट वगैरह जो कुछ भी हो भाई। और भाई वेज के लिए सेब दे दे हैं, उड़ोड़ सी सेब संतरे, मतलब जूस भी दे भाई, छोटे छोटे जूस दे दे हैं, चॉकलेट वगैरह टाइप में दे दे हैं, तो मतलब ठीक है सीन है। और भाई कुछ फल फ्रूट और भी दे दे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर भाई भूखे मार था हमने, वो भी टाइम टाइम पर दिन दे रहे हैं, कई जगह वह भी तर अंदर ही दे जाए, जित कम बंदे हुए जित बहुत बंदे हैं, जगह नहीं अंदर जाने की, तो भाई उन्हें लाइन बनवा कर बाहर ले जाए, फिर बाहर लेकर एक एक जना लाइन में नुगुम का होगी लाइन, वो अंदा अंदा वह उधर से ले होगा लेकर अंदर फिर वापिस रूम में आओगा, अंदर फिर वापिस रूम में, तो ऐसा सीन चला है। तो उसके बाद भाई यार तो है बंदे की किस्मत कि लैब की था मैं चौकी में जाओगे या यहाँ से छूटोगे या दूसरी चौकी में या कैंप में ट्रांसफर हो गए। तो इसके बाद जो सा हमारा ग्रुप आया, हमारे अब तब तक पहले बैठे थे, उसके नाम किसे किसे नाम बोलने थे, किसे किसे चार बंदे लेके पांच बंदे लेके, तो भाई इन्हू ला लिया हम रात ने 11-12 बजे उसमें डाल ले थे। तो भाई हमने रात दिन का भीतर भी नहीं लगता, लाइट चसी रहे है, नींद आवे नहीं आवे, तो नींद तो कुछ नहीं आई थी भाई, आंख नहीं हो गई थी हमारी भी, नींद कैसे आओगी इतनी जगह बीच कर बैठा, पैर मेरे यहाँ से ये जो ये नहीं घुटने ऐसे नुची पकड़े थे, कती अकड़ गए थे, सिस्टम खराब सा हो गया था, देखा था नहीं हमारे बंदा क्या नहीं। और तो मतलब जून से पहले बैठे थे, कोई लौटनी जगह बना रहे था, बैठ रहे थे आराम तय, तो भाई हम आए हैं बाद में तो हमने तो टेंशन होगी भाई, दुखी तो होंगे, पर नू था भाई हमारे बंदे कहने देखा सबकी आंख नू हो रही, नू हो रहे भाई सब नू दुखी हो रहे, लाल आंख हो रही सबकी भाई साहब, तो बड़ी टेंशन वाली बात होगी थी। पर नू था भाई जितने बंदे लिखड़े थे नहीं माम राज्य हो थे, क्योंकि भाई नू सोच रहे थे बंदे ने काट दो काट दो, मतलब लौटनी जगह मिल जाएगी, हमने बैठनी जगह मिल जाएगी, दिन कट जाएंगे आराम, तो भाई सो कर कट जाएंगे या कुकरे कट जाएंगे, यदि हमने भी चौकियों छोड़ देंगे हफ्ते बाद भी तो कट जाएंगे। तो भाई फिर सीन होया, बहुत ही चमत्कारी सीन होया जो हमारी लाइफ में भाई साहब, उड़ जाकर नू ला गया भाई साहब, बहुत अच्छा सीन होया, मतलब हमारे लिए सीन नहीं अच्छा है भाई, यह भी बता दूं मेरे लिए और दो तीन बंदे और थे मेरे ग्रुप के जो हमारे साथ कट्ठे आए थे हम करते हैं, तो उनके लिए कोई सीन नहीं, हमारे लिए बहुत ही नू हो गया था भाई जो के भैया। तो बतावे तो एक बार फिर ऑफिसर आए भाई, जैसे आवे रेगुलरली 4-5 घंटे में 4-5 ऑफिसर आए और बोले भाई थारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज है थारे लिए, हम तुम्हारे में से आधे से ज्यादा बंदों को रिहा करने वाले हैं भाई साहब, सबका खुशी की होगी, सबके नू ही भाई, जिनसे पहले आ रहे हैं बंदे उन्हें रिहा करेंगे पहले, तो जिनसे आए बाद में तो बाद में देखेंगे, तो सबका हम नू राज्य है भाई, चलो जाओगे उसके बाद मतलब हमने जगह मिलेगी लौटेंगे बैठेंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं था मतलब कि हमने दुख होया और दूसरे क्यों जाओगे, तुम्हारा नू थी एक अंदर था भाई, हमने लौटने की बैठने जगह मिल जाएगी जितने निकलेंगे बाहर। तो भाई फिर उन्हें कराया भाई शुरुआत नाम बोलने की, पहले तो नाम बोले भाई थोड़े बहुत जो पुराने थे, जो पुराने आ रहे थे हमने सोचा इन्ने का होगा, उसके बाद जो काम हुआ नहीं, जब हमारे ग्रुप के बंदे थे जो हम 20 नू ला लियो, था हमने वीडियो में भी दिखे जंगल भी पार करे इकट्ठे वीडियो, मतलब उनमें बैठे चल रहे थे हम बसा में भी, उनका नाम आ गया भाई, भाई साहब उनका नाम आंदे सब की आंख नू खुल गई, ओ तेरी गम अपना नाम आ गया है, अपना नाम आ गया है, अपने वाले जो बैठे थे नू पड़े थे नाम सुन दे ऐसे नू हो गया भाई साहब, नाम बोल दिया है पीछे रह जियो भाई साहब, नाम बोल दे गए बोले भाई नाम बोल दिया बाहर आंदे रहो भाई साहब, जो पीछे गुणा में पड़े थे नहीं नाम बोल दे आए ऊपर चढ़ दे बाढ़, तो भाई यहाँ पर आके एकदम तो जो मतलब हमारे पीछे बैठे थे नहीं हमारे कुणों में पड़े थे, तो नाम बोल दे भाई साहब बालक नू पड़े थे नहीं, मतलब जगह नहीं थी पैर धरण की, तो मैंने बोले बहन चो हट जो सारे अगत है मन जान दे नाम बोल दिया, तो भाई वो नहीं वो एक खुशी थी जो वो भाई था, हम कोई नहीं समझ सकते कोई, मतलब जो वहां पर बैठा हुआ नहीं बंदा जिसके लिए बन रही हो वह सिचुएशन में, उनका नाम बोले वो समझ सके जिसने छोड़न लग गया भाई बंदे जो दीवार कूद गावर उसने नुको है भाई तने रिलीज करेंगे तेरा नाम बोल दे भाई साहब, उस तो बड़ी फीलिंग नू ला ले उस टाइम, दुनिया नू हो जा भाई तेरी दुनिया बदल गई, सारा सौदा सिस्टम हैंग कर दिया तने, तू दुनिया जीत गया है भाई साहब तने छोड़ देंगे, फीलिंग फीलिंग इतनी हो वह थम बेसो कितने थारी दुख दी हो थम कितना थारे शरीर में जान नहीं हो, पर इतना जोश आ जाए उस टाइम वो तेरी गम बस नू हो जा भाई, हो गया भाई तेरा काम हो गया, तने जो जिंदगी में चाहिए तेरा हो गया बस, वह फीलिंग वही बंदे समझ पावे जो छुटका हो भाई साहब, फीलिंग क्या फीलिंग थी भाई, तो भाई सारे बालका ही फील आंदे जाओ भाई सारे राज्य होगा भाई मारे ग्रुप वाले भी सारे राज्य जान लग रहे नाम बोलते जावे भाई साहब, बोल दिया उन्हें नाम भाई 50-60 नाम बोल दिए भाई मारे ग्रुप क्या दे फालतू सब जा लिए, तो रह गए भाई 4-5 बंदे उनका नाम को ना आया, 4-5 बंदे मैं भी भाई एक भाई जोनी भाई अपना नू ला लियो और भाई 2-3 बंदे और भाई साहब, तो हम 5-6 बंदे रह गए
मारे पांच छह बंदे नाम नहीं बोलिया भाई, सारे बंदे मारे बाहर जा लिए, हम भीतर बैठे और भाई आधे और जा लिए बाहर जो पहले गया रहे थे, और भाई हम पांच छह रह गए भीतर। भाई साहब मारा तो नू हो गया, यो काम क्यों होया, इतने बंदे काट दिए और मारा नाम नहीं बोलिया, तो टेंशन दिमाग में नू नहीं होंगी अग भाई वे क्यों छोड़ दिया, हम नहीं छोड़े, टेंशन दिमाग में नू हुई वे तो छोड़ दिए, तो मतलब थम चौकी थम जाओगे कैंप में, थम नहीं लेकर जाओगे कैंप में, थारा हाल होगा बुरा। जो आड़ तक मारे दिमाग में इतनी मतलब नू चल पड़ी भाई कि थारे के लिया के बनी, थारी किस्मत इतनी खराब की उकर थी, नू थी इतने बंदे छोड़ दिया अगले नुकाया भाई, गुड न्यूज है थारे में इतने बंदे रिहा करें, 56-57 बाल का नंबर ले दिया मारा, कोई नाम नहीं आया उसमें। तो भाई साहब नू ला लिया हम भी तरता, तो नू रोन लगे थे कि भाई था मस्त कैंप में गए, थारा हो गया काम खराब, मतलब जो इन चौकी में छोड़ने थे नहीं आड़त है, जिनकी किस्मत थी जो इन छोड़ने चौकी की चौकी मत है, मैं तो बस इन नाम ले दिया, थारी किस्मत थाम गए कैंप में, तो अभी इतर तेन ला लो बस, टूट सी गए थे एकदम तय, बड़ा सैड माहौल था भाई बेटा मारे गिले, हम अंदर की फीलिंग हमें समझ सका है, सारे तो खुशी हो रहे भाई हम नू हो रहा हम गए कैंप में, बुरा हाल होगा ये वो होगी स्थिति सी, के बेरा कै महीने लागेंगे, तो भाई बहुत बुरा। फिर भाई गेट बंद कर चले गए भाई, ले गए ना बंदे ने बाहर जाकर भाई, बंदा का हाइट वेट और जो कुछ भी मेडिकल की एक रूप में कराया उन्होंने भाई, कोरोना टेस्ट कराया, मतलब यानी कोरोना ही कराया किए कराया उनका, जीप के साथ टेस्ट करें, जीप पर लाओ थे किट लेके आओ थे स्पेशल, सब बंदे की अपनी अपनी किट भाई, नाम लिख कर नाम है, और भाई हाइट वेट टेस्ट सब कुछ मतलब उन्होंने कराया, और फिर वापस भेज दिया अंदर भाई, चलो थम बैठ जाओ तारा काम हो गया था, हमने छोड़ देंगे हम भाई। थोड़ी देर में फिर आए भाई, खोल लिया गेट भाई, फिर बोले थोड़े बंदे ने और छोड़ देंगे, ये थोड़ी सी सांस में सांस आई भाई, इस पेल ने समझ सका भाई के भाई नंबर आ जा, 10-20 बंदा फिर नाम ले दिया भाई, फिर मारा नंबर नाम नहीं भाई कितने भी नाम नहीं भाई, कति मारा हो गया कति नू भाई, अक तारा तो फिर नहीं आया था, ये तो किस्मत खराब है, फिर आराम तो नू मुंह करे बैठे भाई के होगा के नहीं होगा, पर नू था उस टाइम हमने सीट सी मिल गई थी सीट मिलन लग गई थी भाई, हम लौट गया हम अपना भाई, बंदे इतने निकट गए सीट हमने मिलन लग गई थी भाई। तीसरी बार फिर एक ऑफिसर आई भाई, इपका लेडी आई, बोली दो चार बंदे और काट देंगे हमें भाई, लेने लगी नाम में, दो बाजी तो हमारा नाम आया नहीं, उसने फिर वो ले दिया भाई, दूसरे जो पुराने बंदे जिन्हें हम जाने नहीं थे जो पुराने बैठे थे उनके नाम आए भाई, फिर हम तो भाई मुंह लटका फिर बैठे, अपना नंबर नहीं आता हम तो कैंप में जाऊंगे, मारी होगी सीधी सी रैली लिखड़ेगी कति, मारा जो माहौल था नहीं सिचुएशन ऐसी थी बता नहीं सकते, ला लिया हम रोने लग रहे थे, पर आंसू को ना होते मारा नू था भाई साहब, इतना खौफ का माहौल इतना डर का कि आगे कैंप में होगा के कद छुटेंगे ना छुटेंगे, हमने उल्टे फेंक दें क्या कराऊंगे, तो बहुत भाई सिचुएशन ऐसी थी। तो भाई उन्हें नाम लिए भाई दो तीन पुराना कि एकदम तो आ गया भाई, तारे भाई का नाम अंकुश, ऐसे नाम अंकुश मलिक ऐसे भाई बोल नहीं भाई साहब, मेरे एकदम तो मैं लौटा नू पढ़िया भाई कदी नाम लेंदे हट जो वैन चौदह हट जो साइड में नाम बोल दिया है, नाम बोल दे भाई गया मैं बाहर, बाहर बैठाया भाई उसने, और फिर मेरे नू हो रहा भाई पांच चार और रहे ना ग्रुप के उनका और नाम बोल दे गेला बोल दिया भाई, फिर जोनी का ओहो फिर आया भाई वो भी पीछे पीछे मैं भी राज्य रहा भाई, फिर मैं और आ बोल दे भाई जो हमारे ग्रुप में दो तीन बंदे रह रहे थे हम जिन्हें जाने थे इनका भी बोल दे भाई, बर्थडे तय लिया है सारे ने भाई, तो सारे ने लिया है अपने ग्रुप वाले बैठ गए और बाहर लेगा हम चार पांच बंदे बैठे, फिर एक भाई डॉक्टरनी सी आई तो उसने फिर टेस्ट करे मतलब नाक में भी सूट दिया हो और भाई जीप पता ले लिया हो के सैंपल से ले थे और भाई यार भाई वो के बोल लिया हम पूछे भाई मारे डर का मोल भाई हमें इतनी अंग्रेजी आनी मखा हमने छोड़ना चाह रहे हमने छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा यार तो हमने छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है हम खुश हो जाओ थारे लिए बहुत अच्छा दिन है था हमने छोड़ देंगे रिलीज करेंगे तो हमने ये, तो भाई हम पूरे खुश हो गए भाई पूरे ये हमारी फीलिंग बस नू हो गया था भाई यहाँ थारा नाम आया तो हमने छोड़ देंगे ये थारे नाम तो ये बना दिए इन्हें फाइल तैयार होने लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कई बार पूछा हमने उस पर फिर भी हाँ भाई कन्फर्म यार इट्स ओके नो प्रॉब्लम था हमने छोड़ देंगे, तो वह भी अब राज्य हो गए बताने लग रही, तो फिर वन बोली लेकर टेस्ट जाओ बैठ जाओ था हम छोड़ देंगे, तो भाई काम क्या होया फिर बैठ के भीतर भाई सारे राज्य हो गए फिर ग्रुप वाले भाई हाँ भाई अपना नाम आ गया सारे जने छुटने वाले भाई अस्तो, तो फिर होया थोड़ी देर बाद भाई फिर बोल दिया सीधे आए भाई हमने जो पीछे थे जो हम थे नहीं आखिर में रहे थे भाई उनके नाम बोल दिए उनने जो मतलब हम आखिर में गए थे कति उनके नाम बोल दिए इन बोले ये बंदे बाहर आ जाओ भाई, हम कुछ 14-15 बंदे थे कुछ पुराने बंदे भी बैठे जो उनमें हमारे आए जो पहले आ रहे थे मारते हुए हमने जाने थे और कुछ हमारे ग्रुप के तो हम 6-7 ग्रुप के हम और भाई हमने ले गए बोले लाइन बना लो थे हमने छोड़ने वाले हैं
भाई साहब सिद्धि फीलिंग ऐसी थी, ग्रेट कति होगी थी सिस्टम, बता नहीं सकते ना। बोले था हमने छोटे हैं लाइन बना लियो, अरे चलो बार, तो भाई लाइन बनवा का हमें काटे उन्हें 14-15 जो हमारे ग्रुप के जुड़ से पहले गए थे उछलते कि हाँ भाई हमें जिनका नाम पहला आ गया था हम रह गए थे पीछे, वह उड़े बैठे रह गए। और भाई हम बेरा था भाई छोड़ देंगे इनका भी नाम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पीछे पीछे आओगे। हम लोग इस टाइम पर किसी न किसी का नहीं बेरा था, कौन की तरह रहूगा कौन की जाऊगा। और मार तनु कहने लगे थे भाई रिलीज करे हैं, और भाई फिर ले गया हमने बाहर, मारे भाई उनने कर दिया थे डॉक्यूमेंट रेडी सारे, जो इमिग्रेशन वगैरह के डॉक्यूमेंट थे जो भी थे केस के, तो डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए थे। और भाई उनने क्या क्या दिन दिया हमारे तनु, बोले भाई ये रहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट एंड वेलकम टू USA। होते ही में वाह फीलिंग जो था, हम नू सोचो ये तो मुंह बढ़ रहे हैं अगले वेलकम कर ला रहे बटे हुआ का यहाँ पे, हाँ भाई वेलकम टू USA। और भाई तुम अच्छे से, वो पूरी इंस्ट्रक्शन दी भाई तुम अच्छे से था हम वहां पे पहुंच जाओ जहाँ पर तुम जाना चाहो, जो थारा एड्रेस है तुम्हें वेलकम है और ध्यान से जाना। तो भाई साहब सारे तो दे दिए गागज, और भाई मैं ले गया गाड़ी में, वहां पर थी गाड़ी सी वैन सी जिनमें एक एक जना सीट नु ऐसे बैठा दिया भाई, बोले बैठो सारे जने। और भाई यहाँ पर माहौल कईया के लू भी बने हैं, कईया पहले पहले काम करा दे भाई हथकड़ी लागन ले जा रहे, दोनों हाथों में भी हथकड़ी नैडा में भी पाया में भी, तो थोड़ा सा मतलब नु कदे भाग जा किते, तो ऐसा सीन था। पर मार तो कुछ नहीं था काम भाई, मार तो सीधे डॉक्यूमेंट हाथ में दिए, ले बैठो और चलो गाड़ी में। तो हमने सोचा सारे अलग अलग गाड़ियां बैठान लग रहे भाई सारे आराम आराम, नू नहीं भाई सूट दिए बस गाड़ी में, एक एक सीट पर एक बंदा ऐसे वाली सीट थी उसमें जैसे बीच में को रहा है, एक सीट उधर है ना एक सीट उस साइड है गाड़ी की, ऐसे बैठे भाई सारे जुड़े। और भाई मास्क मुस्क दे दिया हमने, मार तक मास्क लाओ चलो चलेंगे। तो भैया हमने कुछ टाइम तो कुछ घना भी को ना था भाई उस टाइम तो ही नु ला लियो, बस एक रात ऊपर को गई थी यार, मतलब उसने नाम तो पहले बोल दिए थे हमारे, तो उसके बाद 2-4 घंटे उन्हें लाए नुए बैठे रहे आराम से, टाइम कट गया तो उन्होंने ला लिया शाम के 3-4 बजे होंगे जब ला लियो। हम रात ने कुछ दे थे 9-10 बजे सी चौकी माए थे दिन के 3 अगले दिन के नु ला लियो, तो हमारी किस्मत ही बहुत सही चली वहां पे आ गए। और भाई एक और बता दूं बीच में नुला लो, जो अपनी फैमिली के साथ कूदे हैं बंदे तो उन भाई इतना ज्यादा रखते नहीं भाई वहां पे, वो सीधे उन्हें छोड़ते हैं जितना हमने देखा यार भाई इतनी भी सिचुएशन जो है, तो भाई फैमिली के साथ हाँ जो बालक बच्चा के ला उन कौन रखते भाई इतना। और भाई उन जल्दी से जल्दी निकालने सोचो उसी दिन निकालने की कोशिश करें पूरा भाई, मैं जय यदि एड्रेस सीधा दे दें जल्दी, तो उन उसी दिन निकालने सोचा भाई ये बालक बच्चे वाले हैं फैमिली वाले हैं बहू है इसकी, तो उन जल्दी निकाल दे हैं तो उन्हें इतनी दिक्कत भी नहीं आती। तो भाई जो मलंग है हमारी डाल अपना ही डाल भाई मलंग है भाई, उन्हें तो सोचा भाई छड़े पड़े हैं तो इनका केजा है, इनके बैठाए पड़ रहे हो इन्हें तो कदे ही बैठाए रहे इनका कुछ नहीं, तो भाई यो सीन हो है। तो फैमिली ने जल्दी थोड़ा निकालना, जो बालक भी हो उन्हें भी निकालने की सोचे थोड़े जल्दी। और भाई तो ऐसा ही सीन बना है नू, तो भाई हमने ले गए भाई साहब, फिर उसके बाद के ले गए मतलब एक जगह ले गए, कई देर चली वो हम बाहर देखने लग रही, और फीलिंग जो फीलिंग था हम समझ नहीं पाओगे, इतने दिन आगे मेहनत था मनु आए तो इतने सपने था रे आका अमरीकम जाओगे छुटेंगे कदे बाहर जाओगे, वो आप दिखने दे हमने भाई अमेरिका की सड़के अमेरिका के झंडे लगे दिखने रहे सड़के, ट्रक चल रहे गाड़ियां चल रही, इतना बढ़िया माहौल नु बाहर देखा हम सिस हो क्या माहौल है नु बढ़िया नु पूरी फीलिंग होती नु जोश। पर किसी ने नू नहीं बेरा भाई मारे घर क्या ना नहीं बेरा किसी ने नहीं बेरा, जब ती भाई क्या सीन हो रहा है कोई लिख रहा है हम लिख रहे हैं हमने खुद के अंदर से मतलब जो असली खुशी है भाई जो असली खुशी कोई उसमें वो नहीं था भाई दुख की भावना नहीं कुछ नहीं, वैसे हमारा शरीर कितना दुखी हो रहा हो उस टाइम अंदर से खुशी इतनी थी कोई नहीं बयां कर सकता भाई कोई भी, तो बहुत ही अच्छा माहौल था उस टाइम। तो भाई इतनी खुशी तीनू मतलब एक वो है नहीं सपना पूरा हो जाए भाई, तो वह खुशी हो रही थी भाई हमारा इतने महीने तक चल रहे थे इतने पैसे इतने दुख दर्द इतने मतलब बाधाएं कठिनाई इतना सब कुछ सहन करके ने मतलब तो हमने देखा भी होगा वीडियो में तो कुछ भी नहीं दिखा था, तो हमने तो बिरा सलीम के सहन कर खाया हम क्यों कर पहुंचे हैं के हमारे दिमाग में तक के नहीं था, तो वो पार करके जब मिला करें जो चीज हम सोच कर चल रहे हैं तो वह उसकी फील अलग हुआ है, तो वह फील बहुत ही अलग थी भाई बहुत अलग थी उस दिन तो बहुत अलग थी, उसके बाद तो फिर नॉर्मल बेसक हो पर उस दिन वाली जो फील थी नहीं वाह भाई जबरदस्त थी जबरदस्त ऊपर जो ऊपर से ऊपर कह दें जो आखिरी लेवल की सीमा चरम सीमा है तो वो थी भाई, तो हम भी फील कर सको भाई क्या सीन बने होगा हमारे लिए कितनी खुशी हुई होगी उस टाइम यार क्या ही मतलब माहौल था। तो मतलब नुए देख दे भाई वह हमने ले गए भाई एक जगह है भाई जाकर मतलब वो सही जगह थी वहाँ भी मतलब खेत से थे वहां पर खेत से थे साइड में अर तो यार आगे थे भाई अर भाई फिर वैन में तो उतरन लग गए भाई हमें, तो भाई हमारे पास में पूछने लगे था भाई कौन सी भाषा समझ में आओ तारे हिंदी पंजाबी स्पेनिश जो भी तारा भाषा समझ में आओ बता दो, तो हमने बता दी भाई हिंदी समझ में आए 2-4 हमारे पंजाबी थे हमारे गेला जिन्हें पंजाबी समझ में आती, तो उन्होंने कह दिया पंजाबी तो हमारे तो भाई एक एक पेज दे दिया उन्होंने जिन्हें हिंदी कही थी हिंदी में लिखे हुए जिन्हें इंग्लिश कही इंग्लिश में दे दिया जिन्हें पंजाबी पंजाबी में सब पूछा भाई तो पेज दे दिया, तो उन पर इंस्ट्रक्शन लिख रही थी
तो मेरा सही तो याद नहीं फिलहाल मैं क्या थी कती, क्योंकि भाई साल होने वाला है तो के थी, पर उसमें कुछ ऐसी बात थी कि भाई थम रिहा कर दिए गए हो इब थम, मतलब उसमें नहीं हो चौकी चाक्की में नहीं हो, चौकी तो बाहर आ लिए पर मतलब अभी थमने मतलब छोड़न था, पहले थारा चेकअप कराया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा मतलब कोरोना वगैरह का, क्योंकि कोरोना भाई सब का डर रहे है, तो उन्होंने बोले यार थारा चेकअप कर कर ने, और थारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डर घबराना मत, कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम छोड़ दिए गए ऑफिशियली, पर यार बस एक बार चेकअप कर कर ने, मतलब किसी कोई दिक्कत ना हो तो वो चेक करेंगे। तो भाई फिर बोले अपना बाहर आओ आराम रमता है, और भाई फिर बैच से ला दिया ना नंबर ला दिया हमारे, मेरे इतना ध्यान है थोड़ा बहुत सा, नंबर ला दिया हमारे कोटा पहाड़ है भाई, ले ये नंबर था रे आप जा जा कुर्सियाँ बैठ जाओ, तो लाइन ला रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग करवाने लगे थे भाई, सोशल डिस्टेंसिंग रखो यहाँ पे, और अंदर गए भाई, अंदर जाकर ला लिया, एक हॉस्पिटल टाइप पकड़ा नहीं, पूरा बड़ा भाई साहब, पूरा बड़ा सिस्टम था, मतलब पूरा मतलब शाम सी का टाइम होने लग गया था, और भाई अंदर जाकर बैठा दिया, कुर्सी थी भाई जैसे एक या कुर्सी नु कुर्सी बैठ धरी थे हमारा आगे, एक शायद मेज से भी थे शायद, थोड़ा जाकर बैठा दिया कुर्सी, बीच बीच में गैप था बंदे के बीच में, तो सारे वहां पर कह दिया भाई आराम से बैठे रहो, सबका नंबर आओगा। तो भाई फिर नर्स ही जाने लगी भाई हमारे सामने, नर्स आई जो मतलब जिन्हें टेस्ट उस्ट करने थे हमारे, तो फिर मतलब ऐसा था मैं पूछ थी आगे ने, तो बातचीत कर रही थी भाई, तो मतलब जिसका नहीं समझ में आती ना भाई, तो वहां पर ट्रांसलेटर थे, तो मैं पूछने लगी था उनने पूछी मेरे कौन सी भाषा समझ में, सब ने कह दिया हिंदी हिंदी हिंदी, तो उनने फोन मिला लिया, फोन रखेंगे ले, तो उनने फोन मिला लिया भाई उन दो हिंदी कोई अपने इंडियन लोग का, तो भाई इंडियन थे जो उनके ट्रांसलेटर थे, तो मैं उनते इंग्लिश में बोल रही थी, और फिर वो हिंदी मैं अपने तो बताऊँ भाई ये नु पूछा है ये नु पूछा है, तो उनने उड़ा पूछा भाई अपना कोई बीमारी हो था रहे, कोई थारी फैमिली बैकग्राउंड में बीमारी हो बैक कदे था रहे, कदे पीछे कदे कोई से साल में कदे मतलब कदे थारे बीमारी हुई हो थारी आजते जीवन में कुछ दिक्कत बनी हो वो सारी बता दियो, तो हमने कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होया सारी पूछा थी मैं, तो फिर पूछा भाई कोरोना के थारा कोई कोरोना होया हो तो हमने इंजेक्शन लगवाया हो कितनी डोजेज ली था हमने कब लगवाई, तो ऐसा सब कुछ पूछा उनने, तो सारा सौदा बता दिया उनने, फिर मैं पूछने लगी भाई किसी ने कोरोना की डोज लेनी था हमने, तो जिसने कह दिया भाई हाँ ये लेनी हो, तो उनने फिर बाद में बला गए ना भाई जिनसे हमने तो सारी थी भाई अपने तीन डोज पूरी ला रही थी इंडिया में, तो अपर जिन्हें नहीं ला रही लगवानी थी उनने लगवा ली, हम उड़े बैठे इतने चेकअप भाई उनने हमारा कोविड का टेस्ट कराया फिर उड़े भाई मतलब दे देगा मरता है मैं भाई ले थारा तो, और फिर मारे वो क्लियर के ला दिए थे मतलब हाँ मतलब सारा टेस्ट करके ना, तो फिर उन्हें भाई कई कई घंटे लगे बाकी उड़े हम बैठे रहे भाई, तो मास्क ला के बैठे थे हम सारे जने, तो फिर उन्हें मारा भाई लास्ट में कोविड का करके ना, और भाई फिर क्लियर का ला ना यार टेस्ट मतलब एक इसमें मैं दिखा दूंगा एक जो हमारे वो लगा दिया था टैग उनने, और फिर भाई न बोले थम आज यहीं पर रुको, तो भाई उड़े थकती मतलब वो सारा सिस्टम एक ही था मतलब यहाँ पर यो है हॉस्पिटल, तो हमने चला के तो मैं ले गया अंधेरा सा हो लिया था होटल था भाई उड़ा वो होटल सा भी था ला लियो आर्मी वाला है कुछ सिस्टम के था वो ऑफिसर का के था वो वहां पर रखा इतने बच्चे ने, तो भाई उड़े खाना दे दिया उनने खाना पीना देकर ने खाना, तो फिर भाई बाद में जाकर देखा तो उसमें मीट था सारा सुधा मीट था हमने नहीं खाया वो ऊपर जाकर, फिर हमने रूम में ले गया भाई अलग अलग रूम में सब तो अलग अलग रूम दे दिया भाई, रूम में जाकर देखी बढ़िया भाई एलईडी भी ला रही बड़ी बड़ी एलईडी ला रही भाई, बेड थी एसी थे भाई सब सोफे थे क्या बढ़िया सौदा दिया भाई उनने, बाथरूम थे बढ़िया साफ क्लीन सब कुछ भाई साहब क्या फील आई थी नू फ्री में सब कुछ होने लगा थारे साथ कितना सब कुछ ये मतलब कोई थारे नू नहीं कह रहा भाई था मैं ऐसे बढ़ रहे हो था हमने इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा, तो भाई हमने मतलब सोची ना थी नू भी होगा भाई इतना सही भी कहा होगा काम में अपने गेले, तो फिर हम रूम में गए इसके बाद भाई फिर मैंने अपना फोन फान ऑन कराया उसमें वाईफाई कनेक्ट करके ना, तो उसमें कुछ जुगाड़ करके ना व्हाट्सएप चलाया व्हाट्सएप चलाया भाई, तो वो व्हाट्सएप मैंने उस पर चला भाई मैक्सिवा नंबर ले रहे थे हम मैक्सिवा मतलब लिया था एक, तो उस पर चलाया तो उसके बाद भाई फिर इतने बंदे थे हम कई सारे बंदे हो रहे थे हम, तो भाई फिर सारे का वो तो है करा भाई फिर तो सबकी फीलिंग भाई मैं समझ सू सबकी फीलिंग, तो सब कन्न हो रहा था भाई हम भी घर बता हमारे घर क्या मेरे लागे मारे ना लागे, पर फोन एक के था तो सारे नु कहने लगे भाई मेरे तक दे दे मेरे तक दे दे तो माँ ले लो कर लो था हम भी, तो भाई फिर नू भी मेरा भी हो रहा था भाई मैं भी बताऊँ फिर मैं सोचा चल इन्ना बता दे मैंने कई देर तक था मैं चल कोई नहीं करे पीछे फिर मैं अपने घर करूंगा आप मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होगा ना, तो भाई फिर सब ने कराया सब ने बताया खुशी का माहौल होया सबके घर भाई सबके नो सबके राज्य हो परिवार भाई सब सही हो गया, तो फिर मैंने बताया भाई मैंने भी मारा फोन करा, तो भाई मेरे तो घर के ने सोच रहे थे भी मैक्सिमम पढ़िया हूँ, तो मैं पूछ रहे थे भाई के कर रहा है और रोटी राटी खा ली, फिर भाई अंधेरा का टाइम तो हो रहा था भाई, तो वह फीलिंग याद है मैंने मेरी मम्मी ने फोन उठा रखा था मैंने पूछा मगा मेरा बाबू कित है, तो फिर बोली हो रहा तो मगा कराइए, तो फिर दोनों जने इकट्ठे थे भाई मैं, तो फिर भाई मैंने सीधा नु कह है मम्मी मैं अमरीका पहुंच गया होती भाई साहब वह फीलिंग ने मेरे मैंने खुद बेरा है मेरा आंसू आ गए एकदम, तो भाई साहब यह बात कंदे
मैं कुछ नहीं था एकदम, तो क्यों मैंने बात की नहीं, मैं अमरीका पहुंच गया भाई साहब, उनका भी यकीन नहीं हो। एक बताओ यो एक कैल तो नुको था आड़े हूँ मैं मैक्सिको रीब नुका अमरीका पहुंच गया तो सच्ची अच्छा मखा नू है बस नू मैं पहुंच गया मखा बस लिकट गया मैं नू नू है भाई साहब मेरा सू आ गए थे। मैंने बेरा नहीं मेरे घर के ने बेरा लागया नहीं लागया क्योंकि मन देर हम खड़ा भाई मैं उस टाइम मन देर हो गया मैंने बेरा मैं दिखाना नहीं चाहूँ था उनते पर मेरा सू आ गया मेरा वो घना कंट्रोल नहीं उन्होंने कोशिश करी कंट्रोल करूँ फिर भाई मैंने नुए करके वहाँ फिर बाद में करेंगे फोन फान। और भाई उसके बाद अंधेरा मैं बाहर खड़ा मैं बालकनी भाई मैं सब दिखने लगे दूर दूर तक खेत थे खेत तो बताऊँ खेत सहम था खेत आगे दूर नू दिख सड़क चल रही थी कितनी सही है ठंडी हवा चल रही थी यार भाई वाइब कुछ अलग थी एक मतलब वाह फीलिंग नहीं कुछ अलग थी इतने मतलब फिल्म हो जा रहा नहीं एक फिल्म सोच लो फिल्म में पूरी मतलब इतने धक्के खा कर कदे नून इतनी तकलीफ मुसीबत करके आखिर में जीत हासिल हो गया आखिर में एंडिंग हैप्पी एंडिंग चल है जब वहाँ पर तो उड़े पहुँच गए थे मतलब पूरी एक फिल्म का माहौल बन रहा था इतने मेहनत चल रही थी और इतने मेहनत चल कर ना भाई आखिर में पहुंचे थे सक्सेस हुए थे भाई तो मिली थी अपन सक्सेस तो भाई वो अलग ही फीलिंग थी। तो उसके बाद भाई मैं किसी ने बेरा को नहीं तो मैं उड़ा खड़ा होकर बड़ा इमोशनल हुआ भाई बड़ा इमोशनल हुआ भाई मैं कई देर तक मैंने सोची यार क्या क्या कुकर आया तो कुकर पहुंचा तो भाई यार बहुत ही मैं उड़ा कई देर तक ही रोया भाई मैं सही में बताऊँ मैं किसी ने नहीं बेरा इतनी मैं कई देर तक उड़ा इमोशनल खड़ा रहा भाई नू बस नू फिर आखिर मैं आपे नू शांत हो गया भाई दिल नू हो गया भाई पहुंच गया तू आज तो उसके बाद फिर मैं भीतर आया था भाई तो बड़ा इमोशनल होया भाई बड़ा इमोशनल होया मैं बाहर खड़ा होकर बालकनी मैं भाई यार फीलिंग वो कुछ क्या सोच रहे थे मैंने खुद नहीं पता भाई उस टाइम के चलो कुछ भी मतलब चले कुछ नहीं आता दिमाग में मतलब सब कुछ खाली हो गया था हमारा शरीर में नींद भी थी दुख किधे भाई इतना दुखी होकर आए थे और भाई उस टाइम फीलिंग ना तो किसी के बारे में थी ना कुछ था बस एक खाली हो गया था सब कुछ मन अंदर से नू हो रहा था बस तू आज पहुंच गया तने कर दिखाया तेरा गेल हो गया वो काम जिसके तू इतने साल तक सपने देख रखे थे जितने इतनी मेहनत करी जितना आन का वो हो गया था मतलब पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे उड़ा तू पहुंच गया तू निकल गया बाहर और इब जो सोचा था वो इब करेंगे कतीनू फीलिंग यार वो ग्रेट थी फीलिंग कतीनू ऊपर पर कई देर तक उन्होंने देखे बार में क्या चल रहा है अंधेरे में क्या चल रहा है बस अमेरिका ये अमेरिका की हवा चल रही है अपने साथ है पर अमेरिका में इधर बैठे हैं वो फीलिंग अलग थी। तो भाई खत्म आड़े नहीं हुई उसके बाद भाई अरे जो मतलब उन बालका ही बता दूँ जो मेरे गिल आड़े थे वो उन गिल के बनी बाद में फिर लगा हमने सोचा भाई मैं भी सारे लिए आएंगे पीछे नंबर वाइज गाड़ियाँ भर भर के तो उन गिल के बनी हम काट दिए उन्हें तो भाई वो उड़े रख दिए बोले भाई था हमने कल सुबह निकाल लेंगे जो निकल गए ये जुड़ से नहीं उन्हें सुबह निकाल लेंगे तो मैं भाई चौकी में पड़े रहे तो भाई उनके पहले तो मैं भी खुश हो रहे थे निकाल लेंगे तो भाई जब वो ना निकाले नहीं भाई तो उनके बढ़ गया डर भाई साहब मन में कदे नहीं थारे गल के बनी या थारे गल क्यों क्यों रखे था हम क्यों नहीं काटे मैं तो काट दिए और तो काट दिए था हम क्यों नहीं काटे उन्हें बाद में ताई मारा था जब हमने मिले में हम तो सोच रहे थे मारे दो रहे होंगे कितने दूसरे रूम में हम दे रखे होंगे। तो भाई फिर अगले सुबह आए भाई मैं बंदे आम तो उड़े सो गए अपना सोया कौन भाई मैं उस दिन भी मतलब पूरी रात में लगा रहा घर क्या दो मिला लिया अपना देखे गया भाई क्या चल रहा है तो उस टाइम मेरी वायरल भी हो रही थी सब स्टोरी लाने रहे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे सब कॉन्ग्रेचुलेशन स्टोरी बहुत रीच बड़ी तगड़ी जा रही थी उस टाइम। तो भाई मैंने सबका दिल से धन्यवाद कराया मंगा भाई पहुंच गए थारी दुआ बाकी भाई बहुत भाई दुआ करी जो वीडियो भी देखने ला रहे भी तो सबने दुआ करी थी भाई बहुत बहुत धन्यवाद थारा थारी दुआ मैं पहुंच पाए सही सलामत है और भाई माता रानी की दया है भाई बहुत कदी नु सही पहुँचा दिया माता रानी ने बड़े ही सही तरीके से। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सबका माता रानी का भी भाई साथ दिया हर जगह थारी दुआ ने पहुँचा दिया हम सही सलामत। और फिर भाई वह मिले भाई सारे उन पर पूछे बोला हम तो उड़े रात ने उड़े रख दिए था हम निकाल दिए हमने तो मुश्किल रात काटी उनके लिए बनी वो जट वाला सीन भाई उनके लिए बन गया फिर भाई खाली सा हो गया था कमरा और उड़ा ऐसी भाई रात ने तो फिर तापमान आप पे शरीर का भी नू हो जाया करे मैं लौटे फिर भाई वहाँ पे उनने भी जाट ला गया मैंने कहा हम तो चपट चपट पड़े रहे मैं पन्नी सी पन्निया में कुछ स्वाद सा नहीं आया तो भाई नुए काट का आए तो फिर अगले दिन ले आए उनने भी फिर उनके लिए भी प्रोसेस हुआ वागन बिठाए वहाँ पर फिर हम सारे इकट्ठे मिले भाई इकट्ठे मिलकर न और फिर भाई उनने दिन से मैं भाई हमें बोले भाई चलो ही तो हम कहाँ जाना फिर वह पूछा भाई यार बता दूंगा फिर पूछा भाई था हमने किस जाना गुरुद्वारे में जाना है या कहीं होटल में जाना है था हमने मतलब वेलकम सेंटर में जाना है तो कहाँ पर जाना है तो जो भी कहोगे था हमें उड़े छोड़ देंगे वे तो फिर हमने बिरनिंग भाई कहीं वह वेलकम सेंटर में लेके जान लगे थे मैं सारे बंदे ने तो बस भर ली भाई उनने बस तो उनमें एक स्टोरी का स्टोरी हमने उड़े बनाई फिर भाई बस हाँ मैं तो ये दिखा दूंगा मैं के स्टोरी थी तो हमारी उड़े के था हमने एक वीडियो बनाई थी वहाँ से तो वीडियो हम देखी भी हुई पीछे कि भाई ले भाई अमरीका में आ गया अमरीका में चल पड़े दिखाऊंगा वो क्लिप ले भाई अमरीका में एंट्री हो गई है अमेरिका एंट्री सारे भाई ये
अमरीका। उसके बाद भाई बस में बैठ कर वहाँ हमने ले गए भाई वेलकम सेंटर में ले गए, तो वहाँ पर फिर वहाँ पर से ले गए भाई मैं हमने एक और जगह ले गए कि यहाँ से भाई थारी बस टिकट हो सके हैं, तो हम कितने भी जाना नहीं कितने भी जाना था मार तो जाओ जे भाई। फिर सब ने अपना अपना फ़ोन कर दिया था, गारंटरा द्वारा भाइया द्वारा जो भी आ रिश्तेदार सब ने फ़ोन कर दिया अपना अपना भाई हम आ डाली है हमारी टिकट करा दे यो करवा दे, तो भाई सब द्वारा टिकट आ गई, सब प्रिंट करवाने लगे भाई, प्रिंट भी उनने करे भाई मैं टिकटा प्रिंट करी, कोई पैसे नहीं लगे कुछ भी नहीं भाई उनने। और भाई ऊपर तक ऊपर फिर भाई जिसने बस स्टैंड पर जाना जिसने एयरपोर्ट पर जाना जिसने जित भी जाना भाई फ्री में छोड़ गए बंदे भाई, सब गाड़ियां बैठा गए स्पेशल तीन तीन बंदा दो दो बंदा ने भाई जिसने जिस उस पर जाना छोड़ गए भाई, तो फिर वहां से अपना सफर शुरू हो गया था। दिखाए भी थे वीडियो में भाई यार छोड़ दिए हम, पहला सफर था भाई मेरा अमरीका में बस का जहाँ से हम निकल गए थे, तो उड़ा देखी भी होगी वरना देखिए वीडियो वहां से देख लो, तो वहां पर छोड़ गए थे भाई हमने। तो यो था अपना भाई सारा सफर, तो बड़ा ही मतलब कैसा सफर देख लिया होगा आपने कैसा था। तो यह थी मतलब दीवार कूदने के बाद क्या हुआ है? मतलब हमारे साथ यह बनी थी सबके साथ हुआ है, मतलब ऐसा ही कुछ ना कुछ ऐसा ही बना है, किसी ने गुरुद्वारे में छोड़ा हुआ है, किसी ने भाई दो दिन लग जाए चौकी में, किसी ने तीन दिन पांच पांच दिन भी लगे सात दिन लगे, वह किस्मत पर किसी कैंप में चले गए उनके लिए तो अलग हुआ सीन, तो वो मैं बताया नहीं। तो चौकी में था दीवार कूदने के बाद ये हुआ है, कुछ चेंज हो सका है बड़का के लिए कुछ ना कुछ एक आधी सिचुएशन पर मारी याद थी, तो उम्मीद है था हमने सारा बेर लग गया होगा, तो लंबी होगी वीडियो, बाकी पसंद आई तो अपना था हमने बेर लाइक कर दियो कमेंट कर दियो के था हमने फीलिंग आई क्या पता चला था हमने, तो यही थी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सारे ने, जय हो माता रानी की, जय हो।